गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। बेसिकली मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किसी भी पर्सन का बिहेवियर, इमोशन और उसके जो कॉग्निटिव फंक्शंस है उनको उनका इवेल्युएशन करने के लिए किया जाता है। सो, किसी भी पर्सन के बिहेवियर, इमोशन और कॉग्निटिव फंक्शन का इवेल्युएशन करने के लिए अपने को कुछ टूल्स की, कुछ फॉर्मेट की आवश्यकता होती है, कुछ क्वेश्चंस की आवश्यकता होती है, जो कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के थ्रू अपन फुलफिल करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज डिफाइंड एज द सिस्टमिक इवेल्युएशन ऑफ बिहेवियर, इमोशन एंड कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल। इट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट इन विच द क्लिनिशियन रिकॉर्ड द साइकेट्रिक साइन एंड सिम्टम्स प्रजेंट एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। जब किसी साइकेट्रिक पेशेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है बाई द साइकेट्रिस्ट और क्लिनिशियन, तो उसके अंदर जो साइन और सिम्टम्स है उनको एक फॉर्मेट के अंदर, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के अंदर सारे के सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। देन एरियाज ऑफ MSE मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के कौन कौन से बेसिकली इम्पॉर्टेंट एरियाज है, तो सबसे पहले है जनरल अपीरियंस एंड बिहेवियर। पेशेंट की जनरल अपीरियंस कैसी है और उसका बिहेवियर किस तरह का है। देन साइकोमोटर एक्टिविटी, उसके बाद स्पीच, देन थॉट, देन मूड एंड अफेक्ट, और उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, देन कॉग्निटिव फंक्शन, देन जनरल ऑब्जर्वेशन एंड समरी एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो ये सारे के सारे एरियाज ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है। देन अपन स्टार्ट करते हैं डिटेल के अंदर जनरल अपीरियंस एंड बिहेवियर। सो जनरल अपीरियंस एंड बिहेवियर के अंदर आता है सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशन, जो कि आपको पिक्चर के अंदर शो हो रहे हैं, हैप्पी, सैड, फियर, एंगर, सरप्राइज, डिस्गस्ट के फेशियल एक्सप्रेशन सबके अलग अलग हैं, और इन फेशियल एक्सप्रेशन से अपन पहचान सकते हैं कि जो पर्सन है वो किस तरह की मन स्थिति के अंदर अभी फ़िलहाल है। देन पोस्चर, पोस्चर भी जनरल अपीरियंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन दी मैनरिज्म, मैनरिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। देन आई टू आई कॉन्टैक्ट, देन रेपोर्ट, रेपोर्ट मीन्स तालमेल, किस तरह का वो बिठा रहा है जब बात कर रहा है किसी से। देन कॉन्शियसनेस, देन बिहेवियर किस तरह का है उसका, ड्रेसिंग उसकी कैसी है, और ग्रूमिंग स्किल, जैसे बाल वाल कैसे बना रखे हैं, कपड़े किस तरह से पहन रखे हैं। देन फिजिकल फीचर्स। अब अपन बात करते हैं साइकोमोटर एक्टिविटी के बारे में। अब साइकोमोटर एक्टिविटी के अंदर अपन चेक करते हैं इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, या तो उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज है या डिक्रीज है। देन एक्साइटमेंट और स्टूपर, या तो वो एक्साइटेड है, स्टूपर मतलब चुपचाप है, एकदम किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं है। देन एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स लाइक ट्रेमर्स एंड टिक्स। देन सोशल विड्रॉल और ऑटिज्म, उसके अंदर सोशल विड्रॉल है या ऑटिज्म के फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। देन स्पीच कोहेरेंस, स्पीच इज कोहेरेंट और नॉट। देन रिलीवेंस, रिलीवेंट और इररिलीवेंट, जो स्पीच है उसकी रिलीवेंट है टॉपिक से या इररिलीवेंट है। वॉल्यूम कैसा है, इंक्रीज है या डिक्रीज है। देन टोन कैसी है, लो है, हाई है और नॉर्मल पिच है। देन मैनर ऑफ द स्पीच कैसा है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। रिएक्शन टाइम उसका कैसा है, नॉर्मल है या लेट, मतलब आपने किसी कोई क्वेश्चन पूछा उससे तो उसका उसके उसने आंसर स्पॉन्टेनियस फट से दे दिया, या रिएक्शन देने के अंदर उसको टाइम लगा। देन मूड सब्जेक्टिव्स एंड अफेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। देन इसके अंदर देखते हैं अप्रोप्रिएट है उसका मूड या इनअप्रोप्रिएट है, प्लेजर अफेक्ट है या अनप्लेजरेबल अफेक्ट है, और अदर अफेक्ट्स हैं। देन थॉट, फॉर्म ऑफ थॉट रिलीवेंट और नॉट, उसकी जो थॉट है वो रिलीवेंट है या नहीं है। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन उसके अंदर प्रजेंट है या नहीं है। टेंजेंशियलिटी और सर्कमस्टेंशियलिटी, इसका अर्थ होता है
पर्सन का सरकमस्टेंशियलिटी के अंदर वापस जिस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे पेशेंट उसी टॉपिक के ऊपर वापस कभी नहीं वापस रिटर्न आता है और किसी बातों के अंदर वो इन्वॉल्व हो जाता है। देन इलॉजिकल थिंकिंग, देन प्रिजर्वेशन एंड वाइब्रिग्रेशन, सो दीज आर द थॉट फॉर्म ऑफ थॉट। देन स्ट्रीम ऑफ थॉट, फ्लो ऑफ थॉट, जब उसका स्ट्रीम ऑफ थॉट या फ्लो ऑफ थॉट चेक करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे प्रोडक्टिविटी कैसी है थॉट की, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, पॉवर्टी ऑफ कंटेंट ऑफ स्पीच, थॉट ब्लॉक, जो थॉट है पर्सन की वो बेसिकली सबसे पहले आती है ब्रेन के अंदर, फिर उसको वर्बलाइज किया जाता है। तो थॉट का प्रोडक्शन हो रहा है ब्रेन में या नहीं हो रहा, देन आइडियाज फ्लाइट हो रहे हैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर या एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जल्दी से जा रहा है क्या, देन पॉवर्टी ऑफ कंटेंट ऑफ स्पीच है या क्या नहीं, देन थॉट ब्लॉक। सो इस पिक्चर के अंदर अपन देख रहे हैं जो स्ट्रीम ऑफ थॉट जो पर्सन के अंदर शो हो रहे हैं लाइक ट्रस्ट, सोरो, फियर, लव, एंगर, होप एंड जॉय। देन कंटेंट ऑफ थॉट, पर्सन का जो थॉट का कंटेंट है वो किस तरह का है, बेसिकली डिल्यूजनल टाइप का है या ऑब्सेशन टाइप का है, देन फोबिया है, इरेशनल फियर है, देन प्री ऑक्यूपेशन है या फैंटेसी है। फैंटेसी मीन्स डे ड्रीमिंग, मतलब जागते हुए सपने देखना। सो जैसा कि इस पिक्चर के अंदर शो हो रहा है कि एक आदमी की शक्ल अपने को दिखाई दे रही है, अगर गौर से अपन इसको देखेंगे तो एक ये हट है और कुछ एनिमल्स और पेड़ है दिखाई देगा अपने को, ये भी एक तरह का इल्यूजन है, ये भी एक इल्यूजन का पार्ट है। देन इस पिक्चर के अंदर अपन देखते हैं इट इज़ रियली कंफ्यूजिंग, पर्सन को जब वो इस साइड खड़ा है तो इसको 4 दिखाई दे रहे हैं और इस वाले को 3 दिखाई दे रहे हैं, है दोनों ही राइट, एक को तो इल्यूजन हो रहा है दोनों को, एक को 4 दिखाई दे रहे हैं और एक को 3 दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ही इस पिक्चर के अंदर हो रहा है। देन डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, इल्यूजन वेदर विजुअल ऑडिटरी और इन सेंसरी फील्ड, देन वेदर अकर इन क्लियर कॉन्शियसनेस और नॉट, जो इल्यूजन है वो विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, सेंसरी फील्ड के अंदर हो सकता है या क्लियर कॉन्शियसनेस के अंदर हो सकता है या नहीं। देन हॉलुसिनेशन वेदर ऑडिटरी विजुअल ऑल्फैक्टरी गैस्ट्रेटरी टैक्टाइल डोमेन, व्हाट वाज हियर्ड, हाउ मेनी वॉइसेस वर हियर्ड एंड इन विच पार्ट ऑफ द डे, मेल और फीमेल वॉइसेस, वेदर दिस आर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हॉलुसिनेशन। देन कॉग्निटिव फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन मीन्स सोचने समझने की निर्णय लेने की क्षमता बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शन। तो इसके अंदर देखते हैं अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, सो सबसे पहले अटेंशन के अंदर देखते हैं इजीली अराउज्ड एंड सस्टेन्ड, देन रिपीट डिजिट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, स्टार्ट विद 2 डिजिट्स नंबर इंक्रीजिंग ग्रेजुअली अप टू 8 डिजिट नंबर और टिल फेलियर, देन अकर्स ऑन 3 कंस्ट्रक्टिव ओकेजन, asked to list the months of the year forward and backward, then concentration easily distractible or not, asked to subtract serial 7 from 100 to 7 test or serial 3s from 50 to 3 test or count backwards from 20 or enumerate the names of the months in the reverse ऑर्डर। देन मेमोरी के अंदर देखते हैं इमीडिएट रिटेंशन एंड रिकॉल, यूज द डिजिट स्पान टेस्ट टू असेस द इमीडिएट मेमोरी, डिजिट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सबस्टेट्स, रिसेंट मेमोरी, आस्क हाउ द पेशेंट कम टू द रूम हॉस्पिटल, व्हाट ही एट द ब्रेकफास्ट द सेम मॉर्निंग, तो रिसेंट मेमोरी के अंदर उसने क्या ब्रेकफास्ट सुबह खा के आया तो ये पूछेंगे अपन जनरली। फिर रिमोट मेमोरी के अंदर देखते हैं आस्क फॉर द डेट एंड प्लेस ऑफ मैरिज, नेम एंड बर्थडे ऑफ चिल्ड्रन एंड अदर रिलेवेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सन पास्ट, रिमोट मेमोरी के अंदर पास्ट की जो चीज़ें हैं उनके बारे में पूछेंगे। नॉट एनी एमनीसिया और कॉन्फिबुलेशन डेजावू इव प्रजेंट, देन ओरिएंटेशन
जो पर्सन है उसको ओरिएंटेशन है या नहीं, टाइम की, प्लेस की, पर्सन की, क्या टाइम हुआ है, कौन सी जगह वो खड़ा है और किससे वो बात कर रहा है। देन एब्स्ट्रैक्शन प्रोवर्ब टेस्टिंग मीनिंग ऑफ सिंपल प्रोवर्ब शुड बी आस्क, जैसे कुछ मुहावरे अपन बताएंगे उसका सिंपल अर्थ है, जो मीनिंग है उनका वो अपन पूछेंगे। देन सिमिलरिटीज बिटवीन फैमिलियर ऑब्जेक्ट शुड बी आस्क, लाइक टेबल चेयर के पर्सन से अपन पूछेंगे कि टेबल होती है और जो चेयर होती है उनमें क्या बेसिकली क्या सिमिलरिटी है, कि दोनों पढ़ने के काम आती है, जैसे बनाना है ऑरेंज है, ये दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों फ्रूट हैं। देन इंटेलिजेंस अबाउट जनरल इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल आस्क अबाउट द करंट और पास्ट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड द नेम ऑफ वेरियस स्टेट्स। सो इंटेलिजेंस के अंदर ये सब कुछ चीज़ें अपन चेक करते हैं। देन जजमेंट, जजमेंट के अंदर आता है सोशल जजमेंट, इट इंक्लूड एन इवेल्युएशन ऑफ पर्सनल जजमेंट, टेस्ट जजमेंट, आस्किंग द पेशेंट व्हाट ही वुड इन सर्टेन टेस्ट सिचुएशन। देन इनसाइट, पेशेंट्स के बारे में जो उसकी इनसाइट है उसके बारे में अपन पूछेंगे। आस्क पेशेंट एटीट्यूड टुवार्ड्स हिज प्रेजेंट स्टेट, जो उसकी अभी की जो फिलहाल की जो स्थिति है उसके बारे में उसका क्या एटीट्यूड है उसके बारे में पूछेंगे। देन वेदर देयर इज एन इलनेस और नॉट, वह बीमार है या नहीं उससे पूछेंगे। इफ़ यस विच काइंड ऑफ इलनेस, अगर वो बोलता है हाँ मुझे बीमारी है तो उसको पूछेंगे किस तरह की बीमारी है आपको। इज एनी ट्रीटमेंट नीडेड, क्या आपको किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इज देयर होप फॉर रिकवरी, पेशेंट से पूछेंगे क्या रिकवर हो सकते हो, तो उसका यस और नो, किस तरह की उसके अंदर इनसाइट प्रेजेंट है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इलनेस, ये जो उसको बीमारी हुई है लाइक साइकेटिक इलनेस, तो उसका बेसिकली क्या कॉज था, स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, डाइवोर्स के कारण हुआ, एक्सीडेंट के कारण हुआ, तो ये सारी चीज़ें इनसाइट के अंदर पर्सन को पूछेंगे। देन जनरल ऑब्जर्वेशन के अंदर अपन देखते हैं स्लीप, स्लीप के अंदर इनसोम्निया, हाइपरसोम्निया, अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग। देन एपिसोडिक डिस्टर्बेंस के अंदर देख, फिर अपन देखते हैं समरी एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस। जनरल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट शुड बी रिटन अलॉन्ग विद पेशेंट हिस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिशन हिस्ट्री, रीजन ऑफ एडमिशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। थैंक यू एवरीवन, अगेन वी आर समराइज द दिस टॉपिक। आज अपन ने पढ़ा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर बेसिकली पर्सन का जो ओरिएंटेशन है, जनरल अपीरियंस है, बिहेवियर है, उसका जो जजमेंट है, इनसाइट है, और फिजिकल अपीरियंस है ये, और ग्रूमिंग स्किल वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें अपन एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के अंदर नोट डाउन करते जाते हैं पेशेंट की, और बाद में ये सारी की सारी चीज़ें इनको इवेलुएट किया जाता है कि पर्सन का जो कॉग्निटिव फंक्शन है, उसका बिहेवियर है, उसके इमोशन है, वो किस तरह के हैं, अगर उसको कुछ साइकेट्रिक इलनेस है या नहीं है या कुछ हद तक है, तो ये अपन पर्सन को सजेस्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। अगेन थैंक यू एवरीवन।